एक फोन आप ले रहे हो, एक फोन मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, जो पसंद हो उठा लो, फिलिंग मैं करूंगा। सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ वीडियो ही ऐसी है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एंड फन फैक्ट, वीडियो का इतना पार्ट मेन पार्ट एडिट के बाद शूट हो रहा है। रीजन ये कि वीडियो खुद में एक चैलेंज था मेरे लिए, मैंने सोचा ट्राई करते हैं, अगर कंप्लीट हो गया तो शुरू वाला पार्ट बाद में शूट कर सकते हैं। टॉपिक वो सिंपल है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, दो जगह से फोन खरीदते हो, एक तो ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। अब जो ऑनलाइन खरीदते हैं मैं आपके पास तो नहीं जा सकता, जो ऑफलाइन खरीदते हैं वहां तो मैं जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कोई ऐसा यूजर मिल जाए जो फोन बाय करने गए हो और थोड़ा स्मार्ट फोन टेक के बारे में पता हो या फिर टेक वीडियो देखते हो, और मैं देखना चाहता हूँ वो क्या सोच के ऑफलाइन में फोन बाय करते हैं, उनको कैसे कैसे दिखाया जाता है। एंड एक और बात, वीडियो बाहर शूट हुई है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी कि हाँ चार कैमरामैन थे, प्रॉपर माइक या शॉप में फिक्स करके गया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ नॉइज भी होगी, ऑडियो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, लास्ट में बात करूंगा क्या कैसे होता है। तो मैं बस निकल लिया, शुरू कर दी अपनी प्रोसेस, और आई होप आप भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे सब्सक्राइब करके अगर आप नए हैं चैनल पे। तो फिर चलें। रियल में GT Neo 3 का प्रमोशन चल रहा है, हम लोग ना कहीं और चलते हैं। सौरभ जी मिल गए, इनके पास आईफोन 12 ऑलरेडी है, बट आप कॉल रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हो पाती है, तो इसलिए कभी कभार बहुत यूज मतलब उसका पड़ता है। अब मुझे सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ही करनी थी, तो इसलिए मैं 15 तक सोच रहा था, 15-20 में कोई मिल जाता था। पर आपको तो फिर सैमसंग का फोन लेना पड़ेगा ना, बिकॉज बाकी सब में गूगल डायलर आता है। फिर आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे ना, सामने वाले को पता लग जाएगा। पता लगने दीजिए, कोई इशू नहीं, मतलब बस मुझे चाहिए, मुझे ऑप्शन चाहिए बस। ओके ग्रेट भाई, इनको कॉल रिकॉर्डिंग का ही सिर्फ ऑप्शन चाहिए, डज नॉट मैटर वो गूगल डायलर है या सामने पता लग जाता है। नहीं, ये कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। पता नहीं लोग काफ़ी सारे हमारे मतलब हम लोग में बहस भी चलती है, कई लोग कहते हैं क्यों चाहिए, चाहिए भाई, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है। चलिए फिर आप एक काम करते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी फोन है हर चीज है ना, थोड़ा नीडी वन ढूंढते हैं, अपना स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। अरे स्टूडेंट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पास आउट हुए, 10 साल हुए बस। एक्चुअली हुआ क्या, ये मतलब इनके पास ऑलरेडी आईफोन है, मैं किसी स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं क्यों शूट कर रहा हूँ, ये कोई प्रॉपर ऐसा यूजर नहीं मिल रहा जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ। बेइज्जती इनटू 100 हो गया, हर्षित दो लड़के थे वो फ़ोन लेने आए थे, उनका बजट था 20,000, स्टूडेंट ही थे, उनको हमने पूछा भाई फ़ोन लेने आए थे क्या, कह रहे हाँ लेने आए थे बट हमने लिया नहीं। कुछ बात नहीं बनी होगी, शॉप से अंदर से बाहर आए थे तो यहीं पे हम लोग बाहर खड़े हैं ना। मैं थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट लेने लग गया कि मैं भाई फ़ोन उन चलो देखते आओ, देखे कैसी पसंद है आपकी, ये सब बंदे को लग रहा है हम ना स्कीम वाले हैं, फ़ोन बिकवाते नहीं है जो दुकान पर पकड़ के ले जाते हैं। स्क्रिप्ट करके बनाना होता कितना आसान था, लेकिन एक्चुअल यूज़र ढूंढना कितना मुश्किल। दो लोग मिल गए, ये सब्सक्राइबर ही हैं अपने, यानी कि टेकी हो आप लोग, स्मार्टफोन की वीडियो देखते हो, और स्टूडेंट हो आप? Yes, नहीं हो, आई एम जॉब करता हूं। आप जॉब करते हैं और आप? स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं। सो एक काम करते हैं, आप फोन लेने आए थे ना। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट ये भाई, ये वीडियो देखते हैं मेरी, ठीक है, मेरी देखते हैं, जाहिर सी बात है और भी टेक चैनल की देखते होंगे, बट देखते हैं इनका कितना चलता है। आओ यही आज का काम है। ये फ्यूजन है, S20 फ्यूजन, एज इनकी सीरीज होती है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का आपको मिल रहा है, साथ ही साथ जो डिस्प्ले वो OLED है, ये 21,500 का। दिमाग में था मोटरोला का ही लेने के लिए, बस इसका जो कैमरे का इशू फंसता है इसी वजह से थोड़ा सा बैक स्टेप हो रहा था। कैसा लगा इसका कैमरा, कैसा लगा? नहीं इसका तो अच्छा है, जैसे बैक और फ्रंट एक साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओ यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, इस शॉप पे काफी सारे काउंटर थे, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट में दिखा रहा हूँ, ब्रांड का लोगो लगा दूंगा जिस भी ब्रांड के बारे में बात हो रही होगी। रियलमी के फोन भी मैंने कभी नोटिस नहीं किया ऑफलाइन में क्या चल रहा है, बट डेमो यूनिट वगैरह होते हैं या फिर ये वापस कर रहे हैं। 9 Pro Plus कौन सा सेंसर है मुद्दा, इसमें देखिए मुद्दा, पता है क्या, इन लोगों ने वीडियो देखी तो इन लोगों को काफ़ी कुछ पता है, नहीं तो इनका हालात कुछ और होने वाले थे। खैर देखते हैं फाइनली ये लोग क्या डिसाइड करते हो, क्यों डिसाइड करते हैं ये देखने वाला होगा। सर इसका 8GB वाला लेते हैं 27,500 है, और 256GB लेते हैं 29,500 का। मैंने बताया ना 15-20 मुझे लेना है, तो 25 मतलब 25,000 सीधे बढ़ रहा है। कैमरा और डिस्प्ले चाहिए, पर मुझे एमोलेड डिस्प्ले अगर चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट देख सकते हैं सर, F19S। रेनो 6 डिसकंटिन्यू हो गया,
वो भाई रेनो 6 नहीं आता ऑफलाइन में अभी, बढ़िया फोन लगा था ओप्पो का मुझे। ये कौन सा वाला है? रेनो 7 उसका अपडेट वर्जन। सर ये प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको बैक में अगर कैमरे की बात करते हैं तो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा होगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले की आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। बात करते हैं अगर रैम रोम की तो यहाँ पर आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल मिल रहा है, यहाँ पर आप 5G तक रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, टोटल 11GB रैम है और 128GB इंटरनल है। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ओप्पो का F21 Pro, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। सैमसंग पसंद है कोई? M52 सैमसंग M52 बजट के बाहर होगा ना? M52 5G हाँ वो ऑब्वियसली सर, और जो वहाँ चार्जर कौन सा बता रहे A23 बता रहे हैं, A23 बता रहे थे 18,000 का। सैमसंग पसंद आया 23? नहीं नहीं सर, सैमसंग का नहीं पसंद आया भाई इनको, बजट में सीधी बात ही है। देख लो यार 20 21 लास्ट है, बाकी जो बेस्ट प्राइस होगा हम देख लेंगे। AMOLED डिस्प्ले कैमरा पार्ट आपको अच्छा मिलेगा, कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलेगी, और वीवो का फ़ोन है वैसे भी कैमरा म्यूजिक और साउंड तो आपको अच्छा मिलेगा। 6128 लेंगे तो आपका 17 का है, 4128 लेंगे तो आपका वो 16 का है, 8128 लेंगे 20 का है। कैशबैक का ऑफर होता है वो यहाँ पर भी है। T1 सीरीज ऑफलाइन में भी मिल रही है, मतलब टी सीरीज ये फ्लिपकार्ट के लिए आया था ना, थोड़े दिन बाद ऐसा ना हो फिर वही जेड सीरीज वाला हाल हो, लोग टी सीरीज मांगने लग जाए, वीवो को बंद करना पड़े फिर ये। Xiaomi का भाई यहाँ पे दिखाया इन्होंने, ओहो 11 लाइट यानी कैसे लगता है आपको? हाँ ये सर बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और मैं Xiaomi का यूजर ही रह चुका हूँ, लास्ट में Xiaomi पे ही चेंज करने वाला हूँ। अभी रेडमी हाँ Xiaomi, अच्छा इनके पास कौन सा है भाई? 5 रेडमी 5 अभी तक चला रहा है। अभी रिसेंटली मेरी जॉब लगी तो मैं पहला फोन लेने वाला हूँ। कभी भी ना अगर एक्चुअल यूजर जज करने तो ऑफलाइन मार्केट में जरूर जाना चाहिए। ये अभी आपका 27,000 का है, 3,000 ऑफ चल रहा है, और 3,000 रुपए का इसमें आपका इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है। लास्ट कितने का पड़ेगा? 21 का। वन प्लस का है कुछ मन देखने का? 9RT वगैरह बढ़िया, लेकिन बजट ज़्यादा है। अब बताओ कौन सा फाइनल किया भाई आपने, सारे दिखा दिए। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे स्टोरी ये है, फ़ोन लेने ये आए थे, आपका फ़ोन भाई बहुत पुराने वाला है, वैसे इनका फ़ोन भी पुराना है, गिराना जाए दोनों फ़ोन, दोनों लोगों का भाई फ़ोन पुराना है, तो आप तो अपग्रेड कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, बजट की वजह से ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मैंने एक्चुअली अपनी इंटर्नशिप के पैसे से खरीदा था सर, ये अभी बस पढ़ रहे ना तो ले नहीं रहे, इस वजह से थोड़ा सा कम भी लगेगा, और इनका बर्थडे भी इनफैक्ट अभी 18 तारीख को, अभी इसी को, इसी 18 को। हाँ, 18 एक काम करते हैं भाई, 18 को इनका बर्थडे है, एक फ़ोन आप ले रहे हो, एक फ़ोन मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, जो पसंद हो उठा लो, फिलिंग मैं करूँगा सर, आप सच में मजाक नहीं, मजाक नहीं, सच में गिफ्ट तो हो गया, तो आप एक पसंद कर लो, आप कौन सा ले रहे हो भैया? जो मेरे कहेंगे मैं वही लूं। भाई साहब गजब का प्यार है दोनों भाइयों में, क्योंकि मैं पर्सनली सच में कंप्यूटर भी लेने गया था तो इनको भैया को लेके, ये मेरे बिग ब्रदर, तो आप इनको सजेस्ट करो, अपना डिसाइड करो। क्रेडिट कार्ड पे ही ऑफर है भाई, बिना क्रेडिट कार्ड 24,000 का है, और क्रेडिट कार्ड के साथ 21 का है, 21,000। मैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करवाता हूँ, पेमेंट वहाँ से हो जाएगा, आप वहाँ कर देना जहाँ से मैं करवा दे रहा हूँ, आपको 21 का पड़ जाएगा, आपके फायदा हो जाएगा। एक्चुअली मैं EMI पे ले रहा हूँ। अच्छा आप EMI भी लेने वाले हैं? ओके। एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो EMI है, इनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और EMI पे जो इनके पास कार्ड है उसके साथ ये ज़्यादा का बन रहा है, सो बजट मैटर करता है उनके लिए डेफिनेटली, तो ये वाला फ़ोन ये ले रहे हैं, इनके बजट में ये सेट आ रहा है, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। तो 1,000-2,000 से डिसीजन रियल लाइफ में चेंज होते हैं, जो यहाँ पे हुआ है। कौन सा लेना चाहिए? मैं G71 ही लेता हूँ। फाइनल था मोटो का? बस एकदम बिल्कुल। कौन सा कलर पसंद है भाई आपको? करो अनबॉक्सिंग करो भाई आप। ये तो और ज़्यादा स्पेशल उठाता है क्योंकि मुझे ये सर ने गिफ्ट किया हुआ है। नहीं नहीं फ़ोन पसंद है ना आपको, इसीलिए आपको ये वाला दे रहा है, दूसरा पसंद होता मैं वाला। और मैं आपसे अगर कभी दोबारा मिलना चाहूँ तो? मैं ऐसे ही मिल जाता हूँ घूमते फिरते लखनऊ में, मैं कहीं भी मिल जाता हूँ दोस्त, ठीक है मीटअप करेंगे 2 मिलियन के बाद। 6128 वाला मुझे पड़ा है, कार्ड छुपा लेता हूँ, और 18300 का। ये लोगों के साथ क्या था, दोनों भाई ने टेक वीडियो देखते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा टेक, थोड़ा क्या मतलब टेक के बारे में पता लग गया कौन सा रेट में कौन सा फ़ोन आता है, बट इट डिपेंड्स, मैंने नोटिस किया डिपेंड करता है कौन से शॉप पे जाते हो, जैसे ये वाली जो शॉप है यहाँ जहाँ हम गए यहाँ पे सब काउंटर बने हुए, तो अगर आप सीधा सीधा सैमसंग काउंटर पे जाओगे तो सैमसंग का फ़ोन सर्च करेंगे, आप रियलमी के काउंटर पे जाओगे तो रियलमी का फ़ोन सर्च करेंगे, कुछ शॉप ऐसी होती है ना जहाँ पे जाते हैं तो सारे ब्रांड होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में ओप्पो
या वीवो, फिर उसके बाद या फिर सैमसंग सजेस्ट करते हैं। आप ये IAS की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो और आप तो जो कर ही रहे हैं आपको और अच्छे से मस्त सैलरी बढ़ाइए आप। जिंदगी का असली स्वाद पता क्या है, जब हम लोग निकलते थे कि भाई मिल गए, ये भी सब्सक्राइबर, क्या नाम है आपका? रवि। रवि, तो यही असली खुशी। ओके, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इनकी हेल्प करने नहीं गया था, लाइक ये कैसे बाय करेंगे, कहाँ से बाय करेंगे, बस ये लोग मिल गए जो फ़ोन बाय करने जा रहे थे, तो इनके साथ मैं रो वीडियो आपको दे पाया। एक जने ने Xiaomi पसंद किया, दूसरे जने ने भाई उन्होंने पसंद किया Motorola, बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट वो कह रहे थे मुझे क्लीन एंड्रॉइड चाहिए। तो आप लोग भी जब भी किसी ऑफलाइन शॉप पे जाते हो तो आप बिल्कुल वहां जा सकते हो, ऑनलाइन प्राइस कंपेयर कर लिया करो, ऑफलाइन को भी कंपेयर कर लिया करो, जहां सस्ता मिल जाए बेसिकली ये रूल होता है। और मैंने जाके ये सीखा कि शॉप वाले भी आपको अच्छा फ़ोन भी रिकमेंड करेंगे, डिपेंड करता है आप किस काउंटर पे जाते हो। एकदम आप एकदम जैसे कहते हैं ऑफलाइन में कुछ भी दे देते हैं, ऐसा नहीं, अगर एकदम आप शरीफ बन के जाओगे आपको कुछ पता ही नहीं होगा, सो वहाँ वो खेल जाते हैं। तो ये शॉप टू शॉप, एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है शॉप का एक्सपीरियंस। और ये देख के अच्छा लगता है भाई, बहुत से यूज़र, एक्चुअल यूज़र जो होते हैं फ़ोन इतनी जल्दी नहीं चेंज करते, सच्चाई यही है। तो ब्रांड को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है। जो ये फ़ोन किसी के ब्लास्ट होते हैं, किसी का मदरबोर्ड डेड हो रहा है, किसी का कुछ हो जाता है, तो ब्रांड्स को ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक बार कंज्यूमर अगर हटा ना तो आपके ब्रांड के फ़ोन को कभी नहीं खरीदेगा, दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट कर जाएगा। और हाँ, वो ऑफलाइन में उन्होंने कहा था ना रैम बढ़ा के बताते हैं, वर्चुअल रैम को वो बताया जाता है। और ये भी पता लगता है कि यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है भाई। देखो, एक भाई Xiaomi यूज़ करते हैं, एक भाई सीधा ही क्लीन एंड्रॉयड, कोई कनेक्शन नहीं, कस्टम UI भर भर के फीचर्स वर्सेस क्लीन UI, बस ये अच्छा लगा यहाँ किसी को मेरी वैसे फ़ोन भी मिल गया, शायद उनको फ्यूचर में याद रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।